देख सकते हैं मेरे हस्बैंड का गिफ्ट जो लिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे आई थी आईब्रो बनाने, देख सकते हैं मेरा आईब्रो हो गया है और जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही आई थी। थोड़ा सा नीचे में इनके सास ससुर रहते हैं, उनसे बात करने लगी थी। उसके बाद आने के बाद देख सकते हैं भुजिया चढ़ाई एक तरफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे खाने के लिए और मैं उधर ही बात करने में लगी हुई थी। तो जस्ट आने के बाद जल्दी जल्दी वही बोले कि मुझे आलू का भुजिया खाना है गरम गरम रोटी के साथ। एक तरफ टमाटो चढ़ाई हूँ, टमाटो का चटनी बनाना है। और यहाँ पर कैरेट था ना, लाई थी गाजर, उसको भी मैं छील ले रही हूँ। टाइम मिलता है तो मेरा क्या है ना कि फिर क्या, फिर बैठ जाऊँगी। चाहे तो बैठने का टाइम क्या है, फिर शाम को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो जाना है। मतलब होटल में ही मतलब खाने के लिए बोले हैं, थोड़ा बहुत खा लेंगे वहीं पे, केक वगैरह भी कट कर लेंगे अपना मतलब खुद साथ में ही, सिर्फ 3 लोग ही। तो यहीं पर देखिए मैं पर छील भी ली, मटर था मटर भी छील लिए, क्योंकि मेरा आदत है जब सब्जी रहता है ना तो मेरा फ्रिज में भरा हुआ रहता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रखता, लगता है पूरा फ्रिज भरा भरा। तो मटर भी छील के मैं रख ली हूँ, ऐसे छीला छीला जाता है तो बनाने में ईजी होता है। तो यहाँ पर देखिए कैरेट को मैं, मुझे टाइम रहेगा तो मैं आज ही घिस लूँगी हलवा बनाने के लिए। देखती हूँ हसन पहले खाना खा के, उनको फिर से ड्यूटी जाना है, फिर बोले हैं कि 5 बजे आएंगे, तुम रेडी रहना जाने के लिए मार्केट। और मार्केट भी जाना है क्योंकि केक भी लेना है और उनके लिए कुछ गिफ्ट तो वो भी करना है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट कर रही थी, अभी करीब 2 बज रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं टमाटो में ना मैं वो मिर्ची डाल रही हूँ, रेड वाली है ना, उसको पका कर, इससे बहुत टेस्टी लगता है टमाटो का चटनी। तो यहाँ पर मुझे याद नहीं रहा, मेरी बेटी के लिए निकाल दे रही हूँ क्योंकि वो मिर्ची के बाद ना नहीं खाएगी। यहाँ पर फिर हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, फिर मैं बैठ जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है। तो करीब 3 बज रहा था तो मैं सोची चलो 10-15 मिनट लगा था इसको घिसने में। और सच कहूँ तो मुझे घिसना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड ही घिसते थे, लेकिन मैं उनको आज सोची कि आज उनका बर्थडे है, बर्थडे बॉय है, उनसे काम नहीं करवाते हैं। और मेरा हाथ भी पूरा थोड़ा सा छिला गया था, इसको बहुत मेहनत लगता है घिसने में। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। इनका आज का दिन इतना फ़ोन चालू था, पूरा ऑफिस में भी बोल रहे थे, काम भी था, सब लोग बोल रहे थे रेस्ट क्यों नहीं लिए, तो उनका फ़ोन ही पूरा दिन चालू था। तो सबसे हैप्पी बर्थडे सबको, थैंक यू थैंक यू। और ज़्यादातर मैसेज में भी उतना ही कि मत कहिए, तो सबसे बोल रहे थे सबसे अच्छा इस बार ही हुआ बर्थडे। क्या होता है इंसान को ना, किसी चीज़ से ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार की रहता है तो प्यार का भूखा रहता है। तो इतना प्यार मिलता है ना, जैसे मैसेज में भी पता चलता है कि मैं कितना मतलब इस तरह का ये बनाए हुए भी हैं, बोलते हैं कैसे नहीं कोई ऐसा रहता है। जिस तरह का आप व्यवहार कीजिएगा दूसरे से, वो दूसरे वाला भी आपको वैसे ही प्यार देगा। तो बस वही था कि बहुत सारा वो प्यार भी मिला, इनको आशीर्वाद भी मिला। और देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इनके लिए टी शर्ट और जीन्स लेने। तो जीन्स तो बोले कि मैं ऑनलाइन लूँगी क्योंकि इनको पसंद नहीं था हुआ मतलब ऑफलाइन। तो यहाँ पर टी शर्ट मैं बोली कुछ तो ले लो मेरे तरफ से गिफ्ट, तो फिर जीन्स बोले कि, मैं बोली चलो ठीक है ऑनलाइन में जीन्स ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए टी शर्ट पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी बेटी भी पापा को गिफ्ट देने के लिए रो रही थी कि पापा पेन देंगे घड़ी देंगे, लेकिन वो गाड़ी ही नहीं रोके। कहाँ हैं हम लोग, तुम क्या दोगी पापा को गिफ्ट, बता क्या दोगी तुम? तुमको घड़ी बोल रही थी अंशिका, अब घड़ी बोल रही थी ना, घड़ी दो घड़ी। यहाँ पर ये वाला टी शर्ट उनको अच्छा लगा, तो देख सकते हैं ये ट्राई भी की है। उसके बाद हम लोग केक लेंगे, केक लेते हैं यहाँ पे, केक का दुकान पे भी अभी क्या है क्रिसमस आने वाला है, उसकी वजह से भी बहुत भीड़ रहता है और यहीं पे अच्छा केक मिलता है। तो देखिए मेरी बेटी येलो वाला बोल रही थी, बड़ा सा केक, लेकिन बड़ा सा क्यों लेना, जैसे छोटा ही लिया आधा केजी का, छोटा सा लिए फिर हम लोग दोनों। तो फिर देखिए वहीं पे हम लोग फिर होटल जाते हैं, वो करीब यहाँ से 700 किलोमीटर था, उसी में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि दूर था। और उतना दूर मतलब वो मुझे अच्छा लगता है होटल, वहाँ पे क्या है ना बाहर में गार्डन वगैरह। और ये देख सकते हैं हाईवे है, जैसे कि अभी नया बना है, करीब 2-4 महीना हुआ स्टार्टिंग होने। ये समृद्धि हाईवे है गाइस, ये मुंबई से नागपुर जाती है, मतलब पूरा बाय रोड जा सकते हैं, इसमें 2 व्हीलर नहीं चलता है, सिर्फ 4 व्हीलर ट्रक वगैरह। तो बहुत प्यारा था रात में, तो इतना प्यारा दिख रहा था कि मत कहिए लाइटिंग वगैरह से। और ये दिल्ली तक जा सकते हैं मुंबई से दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ होटल में और बहुत प्यारा हुआ मतलब ये रेस्टोरेंट है, देखो।
अभी आ गए हम लोग अपना होटल में। अभी हाथ में होटल ये है स्वास्तिक होटल। यहाँ पे क्या है ना, फैमिली रेस्टोरेंट है तो गार्डन टाइप बना हुआ है और बच्चे को खेलने के लिए झूला वगैरह। तो मेरी बेटी खाने से पहले बोल रही, मम्मा मुझे झूला ही जाना है, देख सकते हैं मुझे खींच रही है कि ले चलो। मैं बोली पहले कट पापा का केक तो कट कर लो, उसके बाद जाना। तो फिर देखिए वो मानी है। यहाँ पर पूरा मतलब जितना फैमिली, बड़ा जो फैमिली है तो उसके लिए वो बनाया गया है। बेटा सो फैमिली यहाँ पर देख सकते हैं गाइज आ गए हैं, और ये है केक, और उधर है हैंड वॉश करने का, मेरे हस्बैंड गए हैंड वॉश करने। सो फैमिली यहाँ पर गाइज देख सकते हो कि एक आते आते ही थोड़ा सा गिर गया था ये जो फ्लावर बना हुआ था। तो यहाँ पर देखिए भैया स्टैंड दे दिए केक कटने के लिए, अब केक कट होगा। और यहाँ का ना जो वेटर लोग थे, स्टाफ लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे सब लोग। मैं फ़ोटो निकाल रही थी, वो बोले लाइए मैडम मैं निकालता हूँ। फिर इनसे भी बातचीत हुआ क्या मैं करते, तो अच्छा लगता है अपना जैसा लगता है भी, मतलब यहाँ पे भी दूर पे भी रहकर ना कोई ऐसा मिल जाता है ना इंसान, तो उससे बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है। फिर सब लोग को केक भी मेरे हस्बैंड खिलाएँ कि चलिए, मतलब अच्छा लगता है बर्थडे है तो भाई। वहीं पर सब लोग स्टाफ लोग थे, तो देखिए यहाँ पर जस्ट मंचूरियन ऑर्डर किए हैं मेरे हस्बैंड को। यहाँ का मंचूरियन ही उनको पसंद आता है, पहले ये सब खाएंगे। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है इसको बोलते हैं खाखरा, ये यहाँ का मतलब ये रेस्टोरेंट का बहुत फेमस खाखरा है। इसके साथ ना चटनी देते हैं दो तीन तरह के, देखिए धनिया का और एक लहसुन का चटनी रहता है सॉस वगैरह डालकर, और ये मूँगफली का रोस्ट करके ना पाउडर बनाया रहता है, तो इसके साथ ना लगा के खाना रहता है तो बहुत टेस्टी लगता है। और हम लोग मेरी बेटी को तो खास करके तो बस वही खाने के लिए ऑर्डर भी ले जाते हैं ज़्यादातर। ये है पनीर चिल्ली, तो मेरे हस्बैंड का सारा फेवरेट ही, मैं इनका ही फेवरेट आज खिलवा रही हूँ कि चलो आपका अच्छा। बर्थडे है। सो गाइज यहाँ पर हम भी खाते हैं, और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत खाना रहेगा वो खाकर बस निकल जाएंगे, क्योंकि 9 बज गया था और यहाँ से जाने में भी आधा घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है, दूर है। तो देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी बेटी को, उसको थोड़ा घूमना है पार्क में, तो थोड़ा सा उसको 15-20 मिनट वो खेलती है झूला वगैरह पे। और मेरे हस्बैंड उधर सारा स्टाफ लोग से घुल मिल गए थे, इतना ना सब पूछ रहे थे। अब बिहार से बहुत ही स्टाफ लोग था, तो उन लोग पूछ रहा था आप कहाँ से हो सर, आप कहाँ से हो, तो मतलब बेचारा लोग उतना दूर से, ये लोग भी इधर जॉब कर। सो फैमिली यहाँ पर देख सकते हैं मैं और मेरी बिटिया दोनों एंजॉय कर रहे हैं। हाय खाखरा लिए, खाखरा क्या आप? नहीं, अरे देखे ना यार कैसे आपने झूले देखे गए जिसका झूला आपने से ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, आराम से, मुझे डर लग रहा है। यहाँ से हमेशा की तरह यहाँ से मेरी बेटी जाने का बिल्कुल नाम नहीं लेती, जब भी आती हूँ ना यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगी, एक झूला से दूसरे झूला। फिर वो मेरे हस्बैंड उसको हेल्प कर रहे हैं झूलने झूलाने में, फिर हम लोग ज़बरदस्ती देखे उसको, पापा उसके ज़बरदस्ती उतारते हैं कि चलो बेटा। सो फैमिली आगे हम ले लीजिए केक, क्योंकि आप लोग नहीं लिए थे, लीजिए बहुत टेस्टी केक है। तो अभी तो वहाँ पर नहीं खाए थे हम लोग, फिर खाते हैं, मेरी बेटी मांग रही थी। हेलो गाइज अभी हम लोग घर आ गए हैं, और देख सकते हैं मेरे हस्बैंड का गिफ्ट जो लिए हैं मैं इनको दे रही हूँ। कैसा लगा बर्थडे गिफ्ट? कैसा फोटो खींच रहे? देखिए गाइज ये है टी शर्ट, फोटो में ऐसे नहीं दिखा कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हस्बैंड बहुत थक गए बेचारा, पूरा दिन ड्यूटी किए और उसके बाद उधर गए। खाने में बहुत अच्छा था, मतलब चीज़ इनको तो मंचूरियन और चिली
पनीर चिली बहुत फेवरेट है। तो फैमिली यहाँ पर मैं ये ड्रेस पहनी थी, आप लोग देख बताना कैसा लग रहा है, जो ली थी मैं मीशो से, ये जीन्स मैं फ्लिपकार्ट से ली हूँ। तो इनका गिफ्ट टी शर्ट दिखाइए कैसा, ये मीशो और ये फ्लिपकार्ट और ये कोठारी, ये है कोपरगांव लोकल दुकान से, अच्छा लग रहा है आपको, ब्लू वाला अच्छा लग रहा था तो फिर ले लेते। ये देखिए दो हैं इनकी, ये मेरी बेटी के तरफ से ये दो को बेटी के तरफ से, ओके ये मेरी बेटिया दी है पापा को, क्योंकि वो ना नाक पोछ पोछ के ना वो जब तबीयत खराब होता है तो यूज कर लेती है, तो ये पापा की तरफ से, तुम्हारे तरफ से बेटा है इनकी ना। थैंक यू मेरा गुड़ी, थैंक यू मेरा पूड़ी, थैंक यू मेरा कुड़ी, मस्त है ना। आप बोल रहे थे नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे थे ना गाइस कि हमको ऑनलाइन लेना है, ऑनलाइन अच्छा मिलेगा। मैं बोली कि चलिए तो पहले, सच में कपड़ा अच्छा आया, डिजाइन भी ऐसा भी, तो चलिए अभी चेंज वेंज करूँगी। अभी दूध लाई हूँ तो गर्म भी नहीं किया, बगल वाले के यहाँ है उनको भी केक देती हूँ। मिलूँगी ऐसे ही प्यारा सा नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। अगर मेरा ब्लॉग मेरे हस्बैंड का बर्थडे के लिए आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारा प्यारा, मैं आप लोग का कमेंट का रिप्लाई करूंगी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बोलिए गाइज सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, बाय बाय कीजिए ना यार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू फ्रेंड्स।